एक बार की बात है, खुशीपुर गांव में चार दोस्त एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। वो चारों ही अनाथ और गरीब थी। वो अपनी किस्मत बदलना चाहती थी, इसलिए खुशीपुर गांव के एक स्कूल में पढ़ने जाती थी और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन, तुम चारों को टाइम देखना तो आता ही है ना, क्या तुम बता सकती हो क्या टाइम हो रहा है? यह स्कूल आने का टाइम है। क्या तुमने स्कूल को अपनी नानी का घर समझ लिया है? जब तुम्हारा मन करेगा तब स्कूल आओगी। सॉरी मैम, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगी। देर से आने की पनिशमेंट होती है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कि कल से तुम कैसे देर से आती हो। मंजू मैम चारों को स्कूल की एक गंदी अंधेरी क्लास में बंद कर देती हैं। वहाँ चारों ओर जाले लटके हुए थे, फर्श पर टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था, वहाँ बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। कावेरी मैम कितनी अच्छी थी, वह हमारी गरीबी और मजबूरी को समझती थी। देर से आने पर हमें कभी नहीं डांटती थी बल्कि हमारी मदद करती थी, और जब से ये मंजू मैम आई है तब से ये हमारी जान की दुश्मन बन गई। हाँ नामिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मंजू मैम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो हमें स्कूल की सबसे गंदी क्लास में बंद कर दिया, पता नहीं कब बाहर निकालेंगे, मेरा तो दम घुट रहा है। यहाँ कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सड़ रहा हो। मंजू मैम को हमें यहाँ बंद नहीं करना चाहिए था। कोई है? कोई है? प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमारा यहाँ दम घुट रहा है, प्लीज हमें बाहर निकालो। वो चारों क्लास से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन दरवाजा बंद था। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है, सभी बच्चे घर चले जाते हैं लेकिन अभी भी मंजू मैम उन चारों को बाहर निकालने नहीं आती। यह क्या, स्कूल की तो छुट्टी हो गई और मंजू मैम अभी तक नहीं आई। कोई है, हमें इस क्लास से बाहर निकालो, हम यहाँ बंद हैं। अगर हमें जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो हम मर जाएंगे। कोई है, हमारी मदद करो, हम यहाँ इस क्लास में बंद हैं, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। स्कूल के गेट पर ताला लग चुका था और वो चारों स्टूडेंट्स अभी भी क्लास में बंद थी। कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है और तभी उन्हें किसी के गाने की गुनगुनाहट सुनाई देती है। अभी ना जाओ छोड़कर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नृत्य कर रहा है, गाने की भी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कौन है वहाँ, कौन है? हम तुमसे डरने वाले नहीं, कौन है वहाँ? और तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है, छम छम छम, जैसे कोई उनकी क्लास की तरफ बढ़ रहा हो। और तभी अचानक क्लास का दरवाजा खोल दिया जाता है और वो चारों स्टूडेंट्स डरते हुए बाहर निकलती हैं। इस स्कूल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और सिर्फ पायल की और गाने की गुनगुनाहट की आवाज गूंज रही थी। मैंने अभी कुछ देखा, ऐसा लगा जैसे कोई इधर से गुजरा हो, यहाँ जरूर कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, रात में भूत प्रेत ऐसी जगहों पर रहते हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए इससे पहले कि हम किसी भूत का शिकार हो जाएं। और वो चारों स्कूल से भागने की कोशिश करती हैं लेकिन वो स्कूल से भाग नहीं पाती क्योंकि स्कूल में जो साया घूम रहा था वो उन्हें नजर आता है और वो उन चारों को खींचकर एक क्लास में ले जाता है। और वो ना चाहते हुए भी क्लास में डांस कर रही थी, फुल वॉल्यूम से म्यूजिक चल रहा था और वो चारों डांस कर रही थी। डांस करते करते उनके पैरों से खून निकल आता है लेकिन उनके कदम नहीं रुक रहे थे। अभी ना जाओ छोड़कर।
तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चली जाओगी? मुझे तुम चारों की जरूरत है, तुम चारों मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, मुझे पता था तुम मेरे काम जरूर आओगी। तुम्हारी मदद से जो मैं हासिल करना चाहती हूँ वो हासिल कर पाऊंगी। कौन हो तुम? देखो, डांस करते करते हमारे पैर से खून भी निकल आया। तुम हमसे चाहती क्या हो? आखिर तुम हो कौन? देखो, हम गरीब मासूम बच्चे हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। हम पढ़ लिख कर इस दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, हम अभी इतनी छोटी उम्र में मरना नहीं चाहते। हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। और तभी उनके सामने एक परछाई आती है और कुछ समय बाद वो परछाई एक आकृति में बदल जाती है और वो परछाई कोई और नहीं बल्कि जिन्होंने सुबह उन चारों को उस क्लास में बंद किया था, मंजू, मंजू मैम थी। मंजू मैम को देखकर चारों के होश उड़ जाते हैं। मंजू मैम, आप तो बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक लग रही है। इसका मतलब आप एक चुड़ैल हैं। आपने जानबूझकर हमें उस क्लास में बंद किया था, अब आप हमसे चाहती क्या है? देखो देखो, हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो। मंजुलिका वापस आ चुकी है, मंजुलिका की वापसी हो चुकी है। मंजुलिका अपनी मौत का बदला इसी तरह से लेगी। तुम चारों इसी तरह डांस करते करते मर जाओगी और इस तरह मैं सब बच्चों से अपनी मौत का बदला लूंगी। मंजुलिका अपनी मौत का बदला ऐसे नहीं छोड़ेगी। इस स्कूल को मैं तबाह कर दूंगी, तबाह। मंजुलिका की वापसी हो चुकी है। मंजुलिका की वापसी? आप बच्चों से बदला क्यों लेना चाहती हैं? स्कूल के मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा? आखिर आप उन्हें क्यों मानना चाहती हैं? इसका मतलब पहला शिकार हम हैं और उसके बाद आप इसी तरह और बच्चों को भी पनिशमेंट दोगी और उनका शिकार करोगी। आखिर इस स्कूल के बच्चों ने आपका बिगाड़ा क्या है? मैं इस स्कूल को इतना डरावना और इतना ज्यादा भयानक बना दूंगी, गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हुए डरेंगे, कोई स्कूल की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेगा। मैं सबको मार दूंगी। और इस तरह मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। मंजुलिका की वापसी हो चुकी है। उन चारों के पैरों से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मंजुलिका उसे उन चारों पर दया नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद वो डांस करते करते मर जाती हैं और मंजुलिका उन चारों को एक क्लास में लेकर जाती है और एक ताबूत के अंदर बंद कर देती है। मेरा पहला शिकार हो चुका है, बस इसी तरह सौ बच्चों को नृत्य करते करते और मार दूं, उसके बाद मंजुलिका से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, मेरी मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा और मैं शक्तिशाली भी हो जाऊंगी। जो कुछ मैं जिंदा रहकर हासिल नहीं कर पाई, मरने के बाद हासिल करूंगी।
और कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। हमेशा की तरह स्कूल में बच्चे आते हैं और वो हमेशा की तरह पढ़ाई कर रही थी। तभी मंजू मैम अपने क्लास के कुछ बच्चों को खड़ा कर उनसे कहती हैं, तारा, सितारा, सपना, काजल, तुम चारों खड़े हो जाओ। यह क्या, इसे नोटबुक कहते हैं? ऐसी नोटबुक होती है? मैं ऐसी नोटबुक चेक नहीं करती और तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। चलो मेरे साथ। मंजू मैम, मेरा होमवर्क कंप्लीट है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और मेरी नोटबुक पर अभी न्यू चार्ट पेपर चढ़ा है, ये बिल्कुल ठीक है, फिर आप हमें पनिशमेंट क्यों दे रही हैं? आप जानबूझकर हमें पनिशमेंट दे रही हैं, यह गलत बात है। टीचर मैं हूँ या फिर तुम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसमें क्या गलती है, क्योंकि मैं टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट्स, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करो, तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। और इस तरह मंजू मैम उन चारों को उस गंदी क्लास में बंद कर देती हैं। उन चारों को उस क्लास में सांस भी नहीं आ रही थी, उन्हें उल्टियाँ लग रही थी। मंजू मैम, दरवाजा खोलो, हमें सांस भी नहीं आ रही, हमारा दम घुट रहा है, हम यहाँ मर जाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और कुछ समय बाद रात भी हो जाती है। और रात हो जाने के बाद जैसा उन चारों के साथ होता है वैसा ही इन चारों के साथ भी होता है। पहले उन्हें किसी के गाने के गुनगुनाने की आवाज आती है, फिर पायल की छम छम आवाज आती है। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं और ऊपर से यहाँ इतनी ज्यादा डरावनी डरावनी भूतिया आवाज आ रही है। तुमने पायल की आवाज सुनी? ऐसी पायल तो चुड़ैल पहनती है, लगता है स्कूल में कोई चुड़ैल है, अब हम सब चुड़ैल का शिकार होने वाले हैं। मम्मी मम्मी। और तभी क्लास का दरवाजा खुल जाता है, उन चारों को क्लास से बाहर निकाल लिया जाता है। चारों को अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, उनका मुंह बंद था। और उसके बाद उन चारों को सेकंड फ्लोर पर लेकर जाया जाता है और उसके बाद वो जो कुछ देखती हैं, वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तुम चारों यहाँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम चारों को भी मंजू मैम ने यहाँ बंद किया था, उस क्लास का दरवाजा तुमने खोला, इस स्कूल में क्या हो रहा है? यह पायल किसने पहन रखी है और यह म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर स्कूल में कौन डांस कर रहा है और कौन गाना गा रहा है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्या तुम कुछ जानती हो? तुम चारों शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। अगर उस मंजू इका ने सुन लिया तो वो हम सबको मार देगी, उसे लगता है कि हम मर चुके हैं, लेकिन हम मरे नहीं थे, हमने तो सिर्फ मरने का ड्रामा किया था और उसके बाद हम उसका खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ छुपे रहे। उस मंजुलिका का खेल बिगाड़ना है। मंजुलिका, ये कौन है और उसने तुम्हें क्यों मारना चाहा? और वो इस स्कूल को क्यों तबाह करना चाहती है? उसका इस स्कूल से कोई पुराना हिसाब किताब है जिसका बदला लेने वो वापस आई है। वो बहुत खतरनाक है, डांस करा करा कर मरती है, देखो हमारे पैरों में कितने ज्यादा जख्म हो गए, पूरी रात उसने हमसे डांस कराया। अगर समय रहते हम तुम्हें बचाने नहीं आते तो तुम्हारा भी यही हाल होता, शायद तुम तो मर चुके होते। आखिर तुम उसके चंगुल से बच गए थे तो तुमने प्रिंसिपल मैम को क्यों नहीं बताया? इस स्कूल में मंजू मैम नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, वो अपनी मौत का बदला लेने आई है। हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, बस उस मंजुलिका को उसके असली रूप में सबके सामने लेकर आना है, उसका सर्वनाश करना है। अभी तो जब वो तुम चारों को उस क्लास में नहीं देखेगी, उसका चेहरा देखने लायक होगा, उसे पता भी नहीं होगा कि उसका खेल बिगड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ मंजुलिका जोर जोर से गाना गा रही थी, डांस कर रही थी, लेकिन बच्चों के डरने की आवाज नहीं आ रही थी। और वो उस क्लास में जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, यह देखकर मंजुलिका गुस्से से तिल मिला जाती है। वो बच्चे कहाँ हैं? मैंने उन्हें यहाँ इस क्लास में ही तो बंद किया था,
और इस क्लास का दरवाजा क्यों खुला है? मैंने तो नहीं खोला। वो बच्चे कहाँ भाग गए? नहीं नहीं, वो भाग नहीं सकते। अगर वो भाग गए तो मेरा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन बच्चों को ढूंढना होगा। वो मेरे जाल से बचकर कहीं नहीं जा सकते। मंजुलिका के जाल से बचकर निकलना इतना आसान नहीं। मंजुलिका गुस्से से तिल मिला रही थी और वो उन सभी स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए स्कूल का कोना कोना देखती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। और उसके बाद वो उस क्लास में जाती है जहां उसने ताबूत में उन चारों की डेड बॉडी रखी थी, और वो वहां जाकर देखती है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वहां उसे वो चारों भी नहीं मिलती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चारों मरे नहीं थे। उन चारों ने मरने का ड्रामा किया था। इसका मतलब मेरा खेल खत्म हो चुका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मंजुलिका गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। तभी स्कूल की प्रिंसिपल मैम एक तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाती हैं और वो तांत्रिक बाबा मंजुलिका के ऊपर कुछ जंत्र मंत्र करते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। मंजुलिका, तेरी वापसी तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थी, लेकिन अफसोस कि अब तेरे जाने का समय आ चुका है। तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा वापस आऊंगी। अब तू कभी वापस नहीं आ पाएगी, कभी नहीं। और उसके बाद वो तांत्रिक बाबा मंजुलिका का सर्वनाश कर देते हैं। प्रिंसिपल मैम उन चारों की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती हैं क्योंकि उन चारों की हिम्मत और बहादुरी की वजह से ही मंजुलिका का सर्वनाश हुआ था। और प्रिंसिपल मैम उन चारों से वादा करती हैं कि वो जब तक चाहें पढ़ सकती हैं और उन्हें पढ़ाई का खर्चा भी उठाना नहीं पड़ेगा। चारों बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं।